हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16, नन्हा दीपक। यह पाठ आपके हिंदी का सबसे आखिरी पाठ है ना। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्य जो होते हैं उसका निर्वाह जो है पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किए गए कर्तव्य कभी कभी बुराइयों को समाप्त कर देते हैं और आपकी अच्छाइयों को पनपने के लिए उसमें सहयोग देते हैं। तो चलिए इस कहानी में पढ़ते हैं। क्या नन्हा दीपक। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उसमें कहीं ज्यादा अच्छाइयां हैं। हम लोग बुराइयों को देखते हैं लेकिन बुराइयों के साथ दुनिया में अच्छाइयां भी होती हैं। हम अच्छाइयों को रोज देखते हैं किंतु नजरअंदाज करते हैं, शायद इसलिए कि अच्छाइयां बुराइयों की भांति हमें चौंकाती नहीं, केवल जीवन में भरोसा दिलाती है। मन में भरोसा हो तो आदमी को सब कुछ हरा भरा लगने लगता है। अगर मन में विश्वास हो तो हमें क्या है, सब कुछ अच्छा लगता है। बुराइयां चौंका कर हमारी चेतना का बड़ा हिस्सा खुद पर केंद्रित कर देती है। इस कारण में बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, तो हम उसको ज़्यादा ध्यान से देखते हैं इसलिए वो हमें बड़ी दिखती है, जबकि बुराइयों से ज़्यादा दुनिया में अच्छाइयाँ होती हैं। जीवन में विश्वास के लिए बुराइयों की इस जाल साची को समझना जरूरी है कि क्या है बुराई और क्या अच्छाई है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। गगरी जितनी कम भरी हो उतनी ज्यादा झलकती है ना। तो यानी ज्ञान इसमें बताया गया है कि अधजल गगरी झलक जाए, एक मुहावरा होता है, यानी कम ज्ञान वाला ही अधिक अपने आप को दिखाता है ना। तो इसमें है कि गगरी जितनी कम भरी हो, अधजल गगरी, उतना ही ज्यादा झलकती है, उतना ही उसका दिखावा होता है। लेकिन उस अवस्था में भी उसमें पानी तो रहता है ना, तभी तो छलकेगा। जब पानी ही नहीं होगा तो छलकेगा क्या। आशा है कि बुरे से बुरा आदमी में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इसे समझ लेना इंसानियत में भरोसा लौटाना है कि कैसे इंसानियत में भरोसा लौट आए, इंसान के ऊपर एक इंसान भरोसा कर सके। रात्रि की नेवता आसमान में अचानक आज चढ़े बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था। उनके बीच में से गुजरकर आने वाली श्वेत रश्मियाँ यानी किरणें, रश्मियाँ भी सुधी किरणें, सफेद किरणें है ना, बादल की मोटी परतों में घूम हो गए। यानी बादल जो थे उसकी वजह से वो चंद्रमा की किरण रोशनी जो थी वो हमें नहीं दिख रही थी। तो धरती पर अंधियारा चढ़ आया, धरती में क्या हो गया, अंधकार छा गया। इस बीच हवा ने झोंके ने रफ्तार पकड़ ली, इसकी हवा के झोंके ने क्या रफ्तार पकड़ ली। फिर भी बादलों की गिरफ्त में आने से बचे, सितारों को देख यह अनुमान लगाया अपना आसान था कि रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है ना। तो बादलों की गिरफ्त में आने पर भी तो सितारे बचे थे, उसलिए अनुमान लगाया जा सकता था कि अभी भी रात आधी बची हुई है और आधी से ज्यादा बीत गई। ऐसी सघन नियमितता में जंगल के सुनसान चौराहे पर नन्हा दीपक चुपचाप जल रहा था। एक छोटा सा दीपक है ना, जंगल में नीरसता वाले वातावरण में चुपचाप जल रहा था। हवा का तेज झोंका उसकी लौ से टकराता तो वह काफ होता। जब हवा दीपक की लौ से टकराती तो क्या हल्की सी लौ हिल जाती, ऐसे करके लौ होती है ना दीपक की, ये दीपक आपका होता है ऐसे करके है ना बच्चों, ये ऐसे दीपक है ना। जब लौ इसमें लगती है ये क्या होती है, ऐसे हल्की सी हिल जाती है, ठीक है। ठीक है।
नन्हा दीपक पूरी ताकत समेटते उटंड झोंके से भोंक जाएगा। तो छोटा सा दीपक था वो क्या हवा झेलते हुए हवा से मोर्चा यानी उसका सामना कर रहा था। जैसे हमारी सेना दुश्मनों से मोर्चा रहती है उसका सामना करती है, वैसे ही वह दीपक हवा से भी मोर्चा दे रहा था। ठीक है, उसकी माँ सहता फिर उसके वार को नकाम कर गर्दन सीधी रहता, यानी जब वो हवा चलती है तो वो तिरछा होता, लेकिन फिर वो नकामा के दीपक का दिया सीधा जलने लगता। कुछ ही क्षणों में उसकी नाव फिर बन जाती थी। चौराहे पर खड़े पेड़ रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर जिनका इस्तेमाल यात्री सुस्ताने के लिए करते थे, जो पत्थर पड़े होते हैं तो यात्री क्या होते हैं उसमें जब थक जाते हैं तो उसी पत्थरों में बैठ जाते हैं, यानी सुस्ताने के लिए उसका प्रयोग करते थे। आसमान में टिमटिम करते तारे, पेड़ों पर चढ़ी अमर बेल और उसकी शाखाओं में विश्राम करने वाले चमगादड़, चमगादड़ जानते हैं ना तो उड़ते हैं, उस दीप की जिजीविषा को मन ही मन नमन करते हैं कि ये दीपक कैसे जल रहा है। तेज हवा के बीच उसकी लौ को कांपते देखकर दुखी होते हैं, अरे कहीं ये लौ बुझ न जाए, लेकिन वही हवा के झोंके से जल चीत लौ जब सीधी तन जाती तब उन सभी का मन भी गर्व से भरा उठता, यानी वो भी खुशी से खुश हो जाते कि ये लौ नहीं बुझेगी। तेज झोंकों और अंधेरे से अकेले जूझते दीपक को देख मर्महत महसूस कर रही हवा से रहा न गया, यानी वो हताश होकर उससे हवा से निकल आ गया। वह यथासंभव तपे पाँव दीपक के पास पहुंची, हवा किसके पास पहुंची, दीपक के पास पहुंची। मैं तो मौसम के बदलते मिजाज के आगे बेबस हूँ, हवा ने क्या कहा, जैसे ही मौसम बदलता है मैं बेबस हूँ, मैं चलने लगती हूँ, मौसम गर्म होता है मैं रुक जाती हूँ ना, परंतु तो तुम्हारे आगे कौन सी मजबूरी है, रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है, अब तुम आराम कर सकते हो, यानी अब तुम बुझ सकते हो, अब तुम आराम कर सकते हो, क्यों चल रहे हो, मैंने पिता सूरज को वचन दिया है। दीपक ने क्या कहा कि मैंने अपने पिता सूरज को वचन दिया है, उनके आने तक अंधेरे से मोर्चा लेना मेरी जिम्मेदारी है, यानी जब तक सूरज नहीं आ जाता वो अपना उजाला नहीं कर देता तब तक अंधेरे से मोर्चा से लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। दीपक कर्तव्य बोध से भरा था, यानी उसके अंदर क्या था, अपना कर्तव्य उसे याद था कि मेरा क्या काम है। मैं नीलों चल कर आई हूँ, दूर तक कोई यात्री नहीं है जिसे तुम्हारी जरूरत हो, मैंने कहा मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ, लेकिन कोई भी यात्री ऐसा नहीं है जिसे तुम्हारी जरूरत है, मेरे आगे मेरा कर्तव्य है। दीपक ने कहा यह मेरा कर्तव्य है, दीपक ने विनम्रता पूर्वक कहा। हवा आगे बढ़ गई, दीपक फिर मोर्चा साधने लगा, यानी फिर हवा से ही जैसे झूमता हुआ उसके सीधा खड़ा होता, यानी अपने प्रकाश छोड़कर पैदा था। तभी आसमान में बिजली कड़की, बादलों की मोटी परत ने चांद को पूरी तरह ढक लिया, बादल ने क्या किया, चांद को ढक लिया और बिजली कड़कने लगी, धरती पर छाया अंधेरा और भी घना हो गया, यानी और ज्यादा अंधकार धरती पे छा गया। दीपक ने भी अपना संघर्ष तेज कर दिया, दीपक भी तेजी से संघर्ष के लिए तैयार हो गया कि अब मुझे और संघर्ष करना होगा। तभी कुछ कदमों की आहट हुई, कुछ लोगों के कदमों की आहट हुई, चार आदमी वहां आकर रुक गए, उनकी सांसें फूली हुई थी, लगा जैसे दूर से दौड़ कर आए हैं। तभी बिजली कड़की, चारों के मुंह ढके हुए थे, यानी सपने के तहत अपने मुंह को ढके था, मुझे अंदाजा था यहाँ कुछ ना कुछ उजाला अवश्य होगा, एक बोला, उसमें से जो चार आदमी थे एक ने बोला कि मुझे पता था यहाँ कुछ ना कुछ उजाला अवश्य होगा। उनके सरदार ने कहा रात का अंतिम पहर सो हो चुका है, जल्दी से माल का बंटवारा कर लेते हैं, पौ फटने के पहले घर पहुंचना है,
यानी जो भी माल था जो भी सामान था वो बोले कि चलो इसका बंटवारा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको अपने घर भी वापस जाना था। इसके बाद चारों दीपक उजाले में बैठकर बंटवारा करने लगे। घने जंगल के बीच किसी ने आने का अंदेशा ना था, वे चारों निश्चित थे। उन चार जो चार लोग थे उन्हें क्या था कि इस घने जंगल में कोई भी नहीं आएगा, तो वो निश्चित होकर अपना काम करने लगे। दूसरे ने चहक कर अपनी कुर्सी प्रकट करते हुए कहा, उम्मीद से कहीं अधिक मान मिला। एक ने क्या कहा कि जब बंटवारा कर ले, दूसरे ने कहा खुशी से कि मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अधिक हमें माल यानी सामान मिल गया। तीसरा बोला, समय रहते बात भी गया, आओ अब चलते हैं। तीसरे ने कहा था कि समय रहते हुए हम लोगों ने इसको बांट दिया, अब चलो चला जाए। चलने से पहले उन्होंने एक नजर दीपक पर डाली। उनका सरदार बोला, शुक्रिया भाई खूब काम। सरदार था जो उनका बोला, दीपक से शुक्रिया, आपकी वजह से हमें यह माल बांटने में आसानी हुई। इस वीराने में ऐसे ही जया करो, दूसरे ने जोड़ा। और तब चोरों की खूब मदद किया करो, यानी जो चार होते हो क्या थे, चोर थे, है ना। तीसरे ने अंगड़ाई लेते हुए जोड़ा, फिर चारों तेज कदमों से अंधेरे में भीम हो गए, यानी इधर उधर चल गए। उनके आखिरी शब्दों ने दीपक को दुखी कर दिया। वह कटाक्ष के वास से उबर पाए उसके पहले ही हवा उसके पास पहुंच गई। मैंने पहले ही बुझने को कहा था, मान लेते तो चोरों का अपराध में भागीदार न बनते। अपराध में भागीदार सुनकर दीपक को धक्का लगा कि अरे मैं तो लोगों को विकास दे रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो अपराध में भागीदार बन गया, यानी चोरी का माल मैंने बंटवाने में उनकी मदद कर दी। हर रोज दोस्ती बांटता हुआ खुद को एक गलानी का उसके भीतर तक बैठ गया। वह हर रोज रोशनी बांटकर खुद को धन्य समझता था। सुबह की पहली किरण के साथ जब वह विश्राम को जाता तब मन है, जब सुबह रोशनी होती तो वह उठ जाता तो उसको खुशी होती कि चलो मैंने अंधेरे में लोगों को हिस्सा दिखाया। किंतु आज हवा की बात मान लेना ही उचित होता है। आज क्या था, आज दीपक को लगा कि मुझे हवा की बात मान लेनी चाहिए थी। अपराध में साथ देने वाला भी बराबर का दोषी, जो अपराध में साथ देता है वो भी दोषी होता है। वह जितना सोचता उतना ही उदास होता चलता। जिस दीपक को हवा के तेज झोंके हरा नहीं पाए थे, मौसम का क्रूर थपेड़े का जिसने साहस पूर्वक सामना किया था, उसे हवा के एक उल्लहने ने तोड़कर रख दिया, यानी जो उल्लहना हवा ने दी उसने दीपक को अंदर तक दुखी कर दिया। उसकी तेज चमत्कार से उसकी पीली पड़ने लगी। कैसी, एकदम जो तेज रोशनी थी वो पीली पड़ने लगी, यानी कम होने लगी। रात का मामूली समय बिताना भी भारी लगने लगा। उस अपराध में भागीदार बनकर मैं पिता सूरज के संकेत से कैसे आग मिला पाऊंगा। अच्छा हो उनके आने से पहले ही आंखें मैं मूंद लूं। सोचते हुए दीपक असमय ही अपने गांव को समेटने लगा, यानी समय से पहले उसने अपनी गांव को समेट लिया, अपनी रोशनी को ऐसे कम कर दिया, है ना। तभी चमत्कार हुआ, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई, नन्हे दीपक की आंखें चमकाने लगी, यानी कि तेज प्रकाश हुआ और नन्हा दीपक एकदम से आंखें चौंकाई कि ये प्रकाश सूरज के आने से पहले कहां से आते हैं। बहुत उद्विग्न होकर, यानी सूरज ही आए थे, उन्होंने कहा खुद को बहुत उद्विग्न हो, यानी बहुत ज़्यादा निराश हो, क्या बात है, बहुत परेशान हो। एक गंभीर आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आप पिता सूरज को सामने देखकर वह हतप्रभ था, यानी वह बहुत आश्चर्यचकित था कि उसके पिता उसके सामने खड़े थे। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है, पिता ने कहा सूरज ने। सूरज ने कहा इसके पिता ने सूरज ने कि मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज...
जरूरत है। सूरज भगवान आगे है ना, योग पिता से पुत्र की व्यथा छिप नहीं सकती। एक जो योग का पिता होता है उससे पुत्र की व्यथा यानी परेशानी छिप नहीं सकती कहकर दीपक ने नजरें झुका ली, यानी दीपक अपनी नजरों को झुका लिया। सूरज ने उसे संतावना दी यानी उसे ढांढस बंधाया। तो उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने खड़े यानी सब कुछ उन्हें बताया। दीपक ने सूरज को बताया कि उसके साथ क्या घटित हुआ। मुझसे भूल हुई, उन चोरों की मदद कर आज मैं भी अपराधी बन गया कहकर दीपक ने अपनी बात समाप्त की। सूरज के चेहरे पर मुस्कान खिलाई, सूरज के चेहरे पर क्या हो गई, मुस्कान खिलाई, सूरज मुस्कुराने लगा है ना, सूरज मुस्कुराने लगा। कहीं बड़ा अपराधी क्योंकि दुनिया में जितना भी अनाचार अनाचार होता है सब मेरी रोशनी में होता है, जो भी अपराध होते हैं वो मेरी ही रोशनी में होते हैं। दीपक शांत, दीपक एकदम शांत हो गया। पुत्र हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। सूरज ने दीपक से कहा कि हे पुत्र, हमें सिर्फ अपना कर्तव्य में ध्यान देना चाहिए, वही हमारे बस में है। हमारा काम जीव जगत में रोशनी बांटना है, यदि उसमें पक्षपात करें तो हम दोषी होंगे, यदि हम प्रकाश देने में पक्षपात करेंगे तो हम दोषी होंगे। नदी का धर्म प्यास बुझाना है, कोई उसके पानी में जहर मिलाता है तो यह जिम्मेदारी अक्कर करने वाले की है, यानी नदी का पानी जो है प्यास बुझाने के लिए होता है, कोई को जीवन पैदा करता है, कोई उसमें जहर मिला के पी ले पिला दे तो ये नदी का दोष नहीं है, यह उसका ही बुरे कर्म है। यह तो हमें समझना ही चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। दीपक ने कहा कि यह हमें समझना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तुम जानते हो तभी खुद को दोषी मान रहे हो। हम आदमी में प्रत्येक कर्म को उजाले में लाकर उसे यह अवसर देते हैं कि वह अच्छे और बुरे की पड़ताल कर सके, यानी हम उजाला देकर लोगों को बताते हैं क्या अच्छा है क्या सही है क्या गलत है। तुमने रोशनी बांटकर अपना कर्तव्य निभाया है, यानी तुमने जो रोशनी या उजाला लोगों को दिया है तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, यह मेरे लिए भी गर्व की बात है। इसलिए गलाने पोथी से बाहर निकलकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, यानी अपने अंदर गलानी मत रखो, यानी अपने आप को दोषी मत समझो। अब तो विश्राम करो, मैं भी चलता हूँ। सूरज ने कहा तो विश्राम करो, मैं चलता हूँ। पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतजार कर रही थी, पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतजार कर रही है, यानी मुझे निकलना है। सूरज की बातों से दीपक का अवसर ढूंढने लगा, यानी जो उसको दुख हुआ था वो कम होने लगा। अगली रात उसने एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाया, यानी बच्चा अंधेरे में हो गया, माँ उसको ढूंढती हुई दोस्ती में ढूंढ ली, दोनों ने उसने अपने एक माँ को अपने बच्चे से मिलाया, बूढ़े को ठोकर लगने से बचाया और न जाने कितने यात्रियों को पथ अवलोकित किया, यानी अंधेरे में रास्ता दिखाया। इससे उसका भरोसा वापस लौट आया, उसको अपने अंदर ऐसे विश्वास हो गया कि नहीं मैं अपना कर्तव्य अच्छे से करूँ। कुछ वर्षों बाद उस चौराहे पर चहल पहल अचानक बढ़ गई, पहले राजमिस्त्री आए फिर मजदूर, देखते ही देखते एक सुंदर धर्मशाला उस चौराहे पर खड़ी हो गई। धर्मशाला के बीचों बीच जहाँ कभी दीपक चला करता था एक सुंदर चौकी बनाकर दीपक का ठिकाना सुरक्षित कर दिया गया, यानी जहाँ दीपक चलता था वहाँ पे एक चौकी अच्छी सी बना के उस दीपक को ठिकाना सुरक्षित किया गया। चौकी की दीवार पर शिलालेख लगा था, उस पर लिखा था धर्मशाला, यह धर्मशाला चार चोरों द्वारा बनवाई गई है, यानी यह धर्मशाला किसके द्वारा बनवाई गई है, चार चोरों थे उनके द्वारा बनवाई गई है। एक रात उन्होंने इस दीपक की रोशनी में ढूंढकर चोरी के धन का बंटवारा किया था। उस रात में नहीं जानते थे कि नन्हे दीपक ने उन्हें केवल रोशनी ही नहीं बांटी थी
बल्कि अपने अंतर मन का पवित्र उच्चारा भी उन्हें भेंट कर दिया था। क्योंकि उनका मन की उसके निर्दात हो गया था कि हमें भी कुछ अच्छा कहिए। दीपक जिस प्रकार सबको प्रकाश देता है वैसे हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए, चोरों के मन में भी आ गया था। उसके बाद उन्हें चोरी के काम से घृणा होने लगी। धर्मशाला का निर्माण उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से किया था। उनकी इच्छा है कि जब तक यह धर्मशाला रहे तब तक यह दीपक यूं ही जलता रहे ताकि उन जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता मिल। आज उस धर्मशाला को बने वर्षों बीत चुके हैं। चौराहे पर ऊंची इमारतें खड़ी हैं। तेल गए चिरागों की जगह बिजली के लट्ठों ने ले लिया, यानी बिजली के जो लाइट है वो लगा दिए हैं। लेकिन धर्मशाला आज भी शिव की त्यों है, उसमें अथक दीपक आज भी रोशनी बांटता है। भटके हुए लोगों को राह दिखाना कि उसकी जद्दोजहद आज भी जारी है, यानी आज भी वह पर जलता है ना बच्चों। तो कभी कभी हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। हो सकता है हमारी अच्छाइयों से किसी दूसरे के अंदर भी अच्छाई उत्पन्न हो जाए, है ना। तो चलिए इस पाठ को यही समाप्त करते हैं और आपको यह पाठ